तो कैसे हो सारे दोस्तों? राम राम भाई सभी लोगों को। अभी जज सिर्फ नहाए नहीं है, बाकी सब कुछ एकदम फ्रेशअप हो गए हैं। और अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारे घर पे क्या बना है देखो भाई, मैं था, राणा जी थे और प्रशांत था। ये देखो कांदा भजी है और ये अपने कुम्भन भजी। ये कम क्यों है? क्योंकि भाई एक एक करके खा रहे थे ना तो ख़त्म हो गए। और उसके साथ एक बढ़िया से चटनी है, ये इसको बोलते हो इमली की चटनी, और ये स्वीट दही। और इसके साथ हम खाएंगे कांदा भजी बढ़िया से। चलो भाई मॉर्निंग की तो हमारी शुरुआत ऐसे हुई है। राणा जी गए हैं फ्रेश होने और वो आ रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे खाना। तो देखो भाई, आपको 3-4 दिन से लग रहा होगा कि सिर्फ शाम को वीडियो क्यों आ रही है। हाँ, 2 दिन तो ऐसा था कि दिक्कत थी, इसलिए ही नहीं वीडियो डाल रहा था। बट समझो कि कुछ न्यू वीडियो आने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ न्यू चालू कर रहा हूँ। शायद से शॉर्ट वीडियो भी कर सकता हूँ, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में स्टोरी टेलिंग हर हफ्ते एक भी डाल सकता हूँ, या फिर अगले एक स्टोरी टेलिंग वीडियो की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो आप एक समझ लो। बट वो किस फॉर्मेट में आएगा वो आपको गेस करो कॉमेंट में भाई, क्योंकि थोड़ा सा उसके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ बीच बीच में। आज भाई देखो क्या था कि सुबह तो क्या बोलूँ, हाथ तो संडे सैटरडे था, तो दोपहर में 2:30 बजे उठा। फिर उठने के बाद फ्रेशअप हुआ बढ़िया से, एकदम फ्रेशअप होने के बाद चले गए भाई 5 बजे 5:30 बजे हम सारे लोग फ्रेशअप और वो सब हुए, और फिर चल दिए पूरा भाई के घर, क्योंकि वहाँ पे कुछ गेट टुगेदर था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम रखा था खाने के लिए। बढ़िया से सारे लोग इकट्ठा हुए थे, हमारा घर, भार्गव भाई का घर और बुरा भाई का घर, फिर धूला और फिर उनके घर पे रहने वाले। बस भाई आज तो ऐसे ही था, बट आज बंटी आया है तो कल जाने वाला है शॉपिंग करने। तो क्या शॉपिंग करेंगे वो आपको कल पता चलेगा, क्योंकि भाई आज तो वही है। और ऊपर से मैं कभी एक सीरीज़ देख रहा था, क्योंकि मैं क्या है कि हफ्ते में एक आध मूवी देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं उसमें से नोटिस करता हूँ क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ में से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। अभी देखो एडोबी प्रीमियर प्रो तो चल ही नहीं रहा, तो मुझे उसका भी बंदोबस्त करना है, ऐसा कुछ है। अभी मैं दूसरा एक ऐप है वो मैं धीरे धीरे वो भी सीख रहा हूँ, और मुझे डाविंची रिजोल्व भी सीखना है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग उसमें सबसे बढ़िया उसमें ही होता है। और जो मैंने बोला था ना यहाँ पे चर्च का एक कैफ़े है, तो आज उसमें कुछ था, इवेंट थी, तो वो क्या हर संडे सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक यहाँ पे कैफ़े ओपन रहता है। और ये कैफ़े में क्या है कि एकदम समझो कि एकदम सस्ते में $1-1.5 डॉलर में कॉफ़ी शॉफ़ी मिलती है भाई आपको। बाकी ये थोड़ा एरिया हमारे घर में सुनसान रहता है, बाकी हाईवे एकदम सामने ही है, सामने मतलब समझो कि सिर्फ 400 मीटर में हमारा हाईवे, ऐसे ही रहता है भाई। ठंडा जितनी ज़्यादा नहीं है, बट बादल देख के लग रहा है कि कल बारिश हो सकती है भाई। बारिश में हमारे नीरव भाई काम करते कभी कभार, हमारे भाई दोस्त लोग सब लोग मेहनत तो बहुत करते हैं भाई यहाँ पे, जो भी लोग कनाडा, ऐसा नहीं है इंडिया में लोग मेहनत नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जिस तरह से आपको पैसे भी मिल रहे हैं उस तरह से आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ती है भाई। समझो कि एक यहाँ पे हमारी मेहनत इज इक्वल टू मजदूरी इंडिया में, कोई भी लोग तो कुछ भी करते हैं, बट काम कभी कभार वर्क उसमें वर्क भी वेरी करता है, हर दिन सेम वर्क नहीं रहता, हर घंटे सेम वर्क नहीं रहता, वो वर्क के ऊपर भी डिपेंड है। कभी कभार कम चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, कभी कभार ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अभी मैं कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो मैं बचा के रख रहा हूँ, एक है अपना प्लान, वो सक्सेस होगा या नहीं होगा बट आई डोंट नो। बट 2 साल के बाद कुछ बड़ा आने वाला है, तो उसके लिए अभी आपको अगर पता है कि आपको यहाँ पे ही रहना है 1-1.5 साल 2 साल, यानी कि समझो कि अगले दिसंबर में, अगली दीपावली पे
जो मैंने प्लान किया है वो सारा एग्जीक्यूट होगा तो अगले दिसंबर में, वरना उसके बाद के समझो कि मेरे बर्थडे के ऊपर, मेरा बर्थडे आता है 13th of June, तो समझो 2026 के, हाँ 2026 में पक्का तब तो आ ही जाएगा। बट वो तो बहुत बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, उसके लिए मेरे पास बहुत ढेर सारा वक्त है। उससे पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी भी करनी है, कुछ मेरे प्लान्स हैं, क्योंकि सारे प्लान्स अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं। अभी मुझे पता है कि सिर्फ ये टोकेटी वाला ही आ रहा है, कुछ न्यू नहीं आ रहा है, कुछ आपको यहाँ से न्यू पता नहीं चल रहा है। बट न्यू चीज़ें कई सारी हो रही है, जैसे कि समझो कि यहाँ पे रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। दोज वो वॉन्ट टू कम इन कैनेडा राइट नाउ, अगर आपका गोल है, मतलब समझो मैं तो ऐसे ही आ गया ऐसा है, अगर आपको पता है कि आपको आपके दोस्त हैं, जॉब डिफ़िकल्ट नहीं है, मेन चीज़ क्या है कि आपका नीश डिफ़िकल्ट है। आपका नीश क्या है, अगर आपको सेम वर्क करना है, आपको क्या करना है वो अगर आपको पता है ना, तो अगर आप आओगे तो अच्छा है। मुझे पता है 3 साल के बाद मैं कहाँ पे हूँ ना, वो मैंने थोड़ा सा एज्यूम किया है, बट अभी मैं उतना वर्क नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ही, लोग बोलते रहते हैं कि क्या क्या करता है, मोटापा है थोड़ा सा, वो भी कम करना है। देखो भाई मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा खाते हैं, इंडिया में भी मैं एक वक्त ही खाता था, यहाँ पे भी मैं एक ही वक्त खाता हूँ। मोस्टली हमारे घर पे नाइट पे ही खाना बनता है, सुबह चाय रहती है, नाश्ता हो तो करते हैं, वरना चाय सिर्फ चाय, दूसरा कुछ खाते पीते ही नहीं है, बस ऐसा ही है हमारा। बाकी काम करते हैं, कल का व्लॉग शायद से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रह सकता है, तो देखते हैं, मिलते हैं कल।